तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। और एडवांस एक्सेल की कल की पहली क्लास में हमने आपको पिवट टेबल के बारे में बताया था कि पिवट टेबल का क्या यूज है। तो पिवट टेबल की हमने बताया था कि थोड़ा सा स्लोली पढ़ना है, तो चलिए आगे हम पिवट टेबल के दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। तो एक बार मैं प्रीवियस क्लास का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। तो आपके सामने एक डेटा है जिसमें नेम है, डेट्स है, सैलरी है, ओवरटाइम है, बोनस है, डिपार्टमेंट्स है और एक एक सैलरी का डेटा है। तो कल की क्लास में हमने आपको समराइज करना सिखाया था, किस तरह समराइज करते हैं। हमने यहाँ पे एक पिवट टेबल को इंसर्ट किया। अब इस पिवट टेबल में हमें डेटा चाहिए। अब इस पिवट टेबल में मान लीजिए कि मुझे एक रिकॉर्ड देखना है, मुझे एक डेटा देखना है कि डिपार्टमेंट वाइज मान लीजिए टोटल एवरेज सैलरी। तो ऐसा क्यों चाहिए? सबसे पहले इस चीज को जानिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। दिक्कत क्या होता है सर कि ऑफिस में रिपोर्ट्स तो आप लोग बनाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में क्या चीजें क्या होनी चाहिए इसके बारे में हमें पता नहीं होती। मतलब कि कौन सी रिपोर्ट से क्या फायदा होता है, आखिर रिपोर्ट बनाई क्यों जाती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे कंपनीज के जो एचओडी है वो हर डिपार्टमेंट में कुछ हायरिंग करना चाहते, तो वो देखना चाहते हैं कि मान लीजिए कि 10 हायरिंग करनी है तो कितने रुपए का खर्च बढ़ेगा अनुमान। हालांकि एग्जैक्ट खर्च तो इसके बाद पता चलेगा, ज्वाइनिंग के बाद चलेगा, क्योंकि सैलरी सबकी फिक्स नहीं होती है ना, कोई कुछ सैलरी कुछ कुछ सैलरी, तो एवरेज निकालना चाहते, इसलिए डिपार्टमेंट वाइज जो एवरेज सैलरी चाहते जिससे वो अंदाजा लगा सके कि वो कितने रुपए का एवरेज खर्च आएगा। तो हमने पिवट लगाया और हमने डिपार्टमेंट को देखिएगा कि जब भी पिवट लगाते हैं तो आपके पास फील्ड होता है, यहाँ पे उठा के रखना होता है। तो डिपार्टमेंट को हमने रो में रखा और सैलरी को उठा के हमने वैल्यू में रखा। अब डिपार्टमेंट को रो में क्यों रखा और सैलरी को वैल्यू में क्यों रखा? देखिए डिपार्टमेंट हमारे डेटा में डिपार्टमेंट कई बार रिपीटेड है, सो हमने यहाँ पे उठा के इसको एक बार रखा ताकि हर एक का यूनिक लिस्ट दिख जाए। मैं इसको कॉलम में भी रख सकता था तो आपका कॉलम वाइज लिस्ट आए, लेकिन रिपोर्ट्स में कॉलम वाइज थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, तो हम इसको रो में ही रखते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ द सैलरी आया है, डिफॉल्ट आपका सम आता है या फिर काउंट आता है। डिफॉल्ट आपका खाए तो सम आता है, नहीं तो काउंट आता है। तो सम कब आएगा? जब फील्ड में आपके नंबर्स होंगे तो का सम आएगा। काउंट कब आएगा? कि आपके फील्ड में टेक्स्ट या फिर कहीं कहीं पे ब्लैंक या टेस्ट हो और कुछ नंबर हो तो वहां पे आपका काउंट आता है। तो यह साइड में एरो की का निशान है, इस पर क्लिक कीजिए और आपका वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन यहाँ इस पर डबल क्लिक करने से भी आएगा, जो आपका सम ऑफ लिखा आता है ना उसमें डबल क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसमें हम एवरेज को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके कर देते हैं। ये हमारा एवरेज है। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह हम कर सकते हैं, हम यहाँ इंसर्ट में आते हैं और यहां से तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से वैल्यू फील्ड सेटिंग में जो चाहिए वो ले सकते हैं। हम बात करते हैं आज की जो टॉपिक हमारी है पिवट टेबल में सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, मूविंग, फिल्टर, इन सबों के बारे में है। तो मान लीजिए कि मुझे शॉर्ट करना है, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहां शॉर्ट पे जाएंगे, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करें और यहां शॉर्ट पे आए मोर ऑप्शंस,
मोर ऑप्शन भी वही है, उसमें कोई खास नहीं चेंजिंग नहीं है इस पे। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट करें, ये तो नंबर के अकॉर्डिंग था, तो इसको भी शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए से कर सकते हैं, या मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मोर ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें अवेलेबल सैलरी के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है ए टू जेड और जेड टू यहाँ पे आपका। अब इसमें मैनुअल है, मैनुअल यू कैन अरेंज अरेंज द, इससे क्या होगा कि आप फिर इसको उठा कर रख सकते हैं कि मैं सेल्स को इस पे क्लिक कीजिए, उठा के मैं टीआरजी के नीचे ले जा सकता हूँ, या फाइनेंस को उठा के इसके नीचे ले जा सकता। इस तरह से अब शॉर्ट में एक चीज और भी है, मान लीजिए कि अगर डबल हुआ तो मैंने मंथ को डिपार्टमेंट के नीचे रख दिया। अब देखिए अगर मैंने इसको शॉर्ट किया तो ये जो मंथ है वो मंथ शॉर्ट होंगे, ये आपका सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और सिर्फ इसी का चेंज नहीं होगा, ये जितने भी मंथ्स हैं तो सारे मंथ चेंज होंगे। ऐसे ह्यूमन रिसोर्स करूंगा तो आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आपका शॉर्ट हो, या फिर अगर आपका ये तो रो वाइज डेटा था, अगर कॉलम वाइज करें तो पिवट में आप वर्टिकली भी शॉर्ट कर सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टली भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे शॉर्ट करके अगर ए टू जेड कर देता हूँ तो देखिए ऑपरेशन शुरू हो, या नंबर्स को शॉर्ट कर देता हूँ तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट के बाद अगला चैप्टर आता है मूव का। तो हम मूव करने के लिए बताएं कि इसको हम उठा के अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करें इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद हम इस पे करते हैं मूव। यहाँ पे देखिए कि सबसे अप में या फिर सबसे स्टार्टिंग में चला गया, या मुझे इससे ऊपर करना है तो मूव बिगनिंग अप डाउन एंड एंड आपका डिपार्टमेंट तो कॉलम में मूव करना चाहे तो मूव कर सकते। तो मूव आप माउस से भी कर सकते हैं और इसको भी मूव कर सकते हैं, और सेम अगर मान लो वर्ड ओरिजिनली भी है वर्टिकली भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ मंथ वाइज शॉर्ट करेंगे तो अल्फाबेटिक होगा, तो आप खाए को जैसे यहाँ से कर सकते हैं कि जैन और यहाँ पे कि जैन को उठाया यहाँ से और आपने स्टार्टिंग में रख दिया, फिर फैब को उठाया हमने और हम जैन के बाद रखे, फिर मार्च मार्च को उठाया यहां से और हम यहां इस तरह से अरेंज कर सकते अप्रैल मई जून जुलाई। अब जून यहाँ है, यहाँ इसका आना चाहिए, तो आप यहाँ भी राइट क्लिक मूव कर। सुनील जी कुछ पूछना है आपको? हेलो सुनील जी कुछ पूछना चाहते हैं? जून जुलाई दो हो गया वो यहाँ पे सर, जुलाई का दो दिख रहा है। जून डेटा में आपका ऐसा इसलिए ऐसा आया, इसका भी हम बताएंगे आपको तो बहुत ठीक है। अरे बने जी सर, अब इसमें जैसे कि हमने आपके सामने बताया कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम हुए, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, ये तो हमारा शॉर्टिंग हो गया, शॉर्टिंग के बाद मूविंग हो गया। हमने शॉर्टिंग एंड मूविंग दो चीजों पे हमने सीख लिया। अब बात करते हैं ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग मतलब कि दो को ग्रुप करना, जैसे कि यहाँ टीआरजी है और हमारे पास आरएनडी है और हमारा ह्यूमन रिसोर्स है,
ये तीनों एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही एचओडी इसको हैंडल करता है। तो मुझे तीनों को एक जगह आना चाहिए। इसका नाम हम एचआर एंड टीआरजी करना चाहता हूँ, या फिर इसका आदर करना चाहता हूँ, नाम देना चाहता हूँ। राइट क्लिक कीजिए और आप इसके ऊपर ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप वन आ गया। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट टू एंड डिपार्टमेंट आ गया। तो मैं डिपार्टमेंट जो पहले से था उसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा ग्रुप वन हुआ। इसमें हम कर देते हैं टी आर जी एल एच आर, कर सकते हैं। सेम उसी तरह से जैसे कि हमने अभी आपने एक डाउट बोला कि मंथ वाइज मान लीजिए मुझे सैलरी का टोटल निकालना है, और मंथ में हमारे पास डिपार्टमेंट, ठीक है, राइट अब यहां पे जून है, जुलाई है, तो मैं चाहता हूं कि हमारा जून और जून एक जगह हो जाए, और फिर इसके ऊपर हम ग्रुप कर लें। एक ग्रुप वन आ गया। हम इस ग्रुप वन का नाम चेंज कर सकते हैं, जो कि नाम होगा जून, और यहां जुलाई और जेयूएल है, उनको सेलेक्ट किया और ग्रुप किया, और यहां पे हम कर सकते हैं, और यहां से हम इस मंथ को हटा दें, जून। ठीक है, क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया सर? सर ये डेल से किसने ज्वाइन किया है, नाम बताएंगे? सर मैं सुनील। अच्छा, दोनों से ज्वाइन किया आपने। हेलो एक बंद कर दीजिए, वरना आपके साउंड इको होगी। हाँ सर, सुनील बोलो। सुनील जी, आपके बैकग्राउंड से थोड़ा शोर आ रहा था, इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है। जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। सर रिकॉर्डिंग के लिए अल्ट सेवन था ना? अल्ट आर जी। हाँ हो गया। ये आपका 19 को है। जी सॉरी सर, तो यहाँ पे हमने ग्रुप कर लिया। अब ग्रुप क्या सिर्फ टेक्स्ट किया जा सकता है, नंबर नहीं?
जी हाँ नंबर भी ग्रुप कर सकते हैं। कैसे चलिए बताता हूं, यहां हम इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल में। जैसे कि मुझे पता करना है किस रेंज की कितनी सैलरी वाले कितने इंप्लॉई हैं, मतलब कि मुझे अगर किस सैलरी वाले कितने इंप्लॉई पता करना है तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सैलरी किसी की 10,002 है, किसी की 10,003 है, किसी की 10,500 है, किसी की 15,200 है, किसी की 15,400 है, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। हमें एक रेंज डिसाइन करना है कि हाँ 10 से 15,000 तक कितने हैं, 15,000 से 20,000 तक या 25 तक कितने हैं, तो एक तरह से इसको ग्रुप करना है एक पर्टिकुलर अमाउंट पे। तो उस केस में मैं राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप पे जाऊंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिनिमम और यहाँ पे आपका मैक्सिमम आ जाए, मिनिमम और मैक्सिमम आ जाए। एंड यहाँ पे बाई आपका इसको चेंज कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि जो आगे उसको फिक्स रखना है, तो चेंज है राइट सर, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ बाय डिफॉल्ट 10 का एवरेज 10,000 है, यहाँ पे भी अपना हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने आएगा कि 20,000 से 29,000 तक 3 है, 30,000 से 15 है, ऐसे आप नंबर्स को भी ग्रुप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के साथ नंबर को कैसे ग्रुप करना है ये आपने सीखा। अब बात करते हैं क्या हम डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं। जी हाँ आप डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं। कैसे देखिए, हमारा हायर डेट है और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉई दिए, तो बेसिकली क्या है इस पिवट पे कई बार ऐसी पिवट लग गई है, इस कारण से बाय डिफॉल्ट आपका इस तरह से ईयर मंथली ग्रुप आता है। अब राइट क्लिक करके आप इसको अनग्रुप कर दो तो इस तरह से डेट्स आएंगे। मुझे ग्रुप करने हैं मंथ में तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ग्रुप और यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो हमारा मंथ बाय ग्रुप हो जाएगा। या फिर मैं मंथ और ईयर को ग्रुप करना चाहता हूं तो यहाँ पे हम ग्रुप पे जाते हैं और मंथ और ईयर दोनों सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, ईयर आ गया। लेकिन मैं ईयर को मुझे यहां नहीं, मैं इसको फिल्टर में रखना चाहता हूं तो यहाँ ईयर से उठा के आप फिल्टर में रखते और यहाँ आप जो सिलेक्ट करेंगे वो ही जगह। 2013 सिलेक्ट कर लिया तो मुझे 2013 की हायरिंग दिख रही है, 2014 सिलेक्ट किया 2014 की हायरिंग और 2015 सिलेक्ट किया 2015 की हायरिंग। इस तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज और है कि मैं इसको घटाता हूँ, ग्रुप करता मुझे ग्रुप करना है वीकली या 15 दिन की या 3 महीने की, इस तरह से ग्रुप करना है तो इसके लिए आप यहाँ ग्रुप पे जाएं और डेट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे नंबर ऑफ डेट जितने दिन की ग्रुप करनी है उतना दिन यहाँ पे सिलेक्ट कर दे, ओके कर दे तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा। तो डेट्स को भी ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप्स को आपने टेक्स्ट पे सीखा, ग्रुप्स को आपने नंबर्स पे सीखा और ग्रुप को आपने डेट एंड टाइम पे सीखा। टाइम है तो टाइम भी ऐसा ही होगा, यहाँ दिया हुआ है तो आपने देखा नहीं होगा ध्यान से, ग्रुप में सेकंड मिनट आवर, इसको भी आप ग्रुप कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर सर। हाँ सर क्लियर है। चलिए इसमें आगे बढ़े। अब इसमें आगे है कुछ छोटे मोटे चीजें आते हैं, जैसे कि अब हमने कॉलम को छोटा किया, अब जैसे मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा मेरा कॉलम वापस ऑटोफिट हो जाएगा। ये दिक्कत होती है कि आपने पिवट टेबल को एक रिपोर्ट में ना रखा, उसकी कॉलम उसकी हर चीज की साइज को एडजस्ट कर रखा है ताकि जब आप एक मतलब प्रिंट आउट ले सके, लेकिन जैसे रिफ्रेश करते हैं रिफ्रेश करते ही वो सब कुछ हट जाता है। फिर राइट क्लिक किया तो कैसे करें इसको चेंज, तो पिवट टेबल ऑप्शन पे आप जाए
और यहाँ आपके सामने आपको दिख रहा ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट क्वेरी रिजल्ट फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इन दोनों को आप हटा देंगे तो ऐसा नहीं हो, या एक को हटा दीजिए, एक फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेटिंग प्रिजर्व नहीं होगी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा ऑटो फिट नहीं। एक प्रॉब्लम ये थी, इसकी सॉल्यूशन हम पिवट टेबल ऑप्शन में कर सकते हैं। उसके बाद मैं पिवट टेबल ऑप्शन में आता हूँ, टोटल फिटल्स पे जाता हूँ। यहाँ नीचे टोटल दिख रहा है, अब चाहो तो इसको हटा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन पे जाए तो डिस्प्ले पे डिस्प्ले के ऑप्शन है, जो प्लस मैंने बटन के बताया था वो नहीं दिखना चाहिए, क्लासिकल चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट ए टू जेड में चाहिए, या फिर सोर्स डेटा ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका करना है। उसके लिए प्रिंट करते समय आपको प्रिंट एरिया को टाइटल को सेट करना है कि हर पेज पे इनका टाइटल आए या नहीं है, पर डेटा तो लेकर बताया था तो इसका इस्तेमाल फटमल चीजों के लिए हम करते। इसमें एक चीज और है आपका, वो है जीरो ब्लैंक में। जैसे अभी मैंने मंथ रखा हुआ है और मैं डिपार्टमेंट को रख देता हूँ कॉलम। अब इसमें देखिए कई जगहों पे ब्लैंक्स है, तो इस ब्लैंक्स में खाया तो खुद का वर्ड या फिर आप डालना चाहते हो जीरो, जैसे जीरो डालना चाहते हो जीरो कर दीजिए, ओके कीजिए तो सब में जीरो आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं चाहिए, खुद का वर्ड चाहिए। तो यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे अपने वर्ड्स दे दूंगा, जो वर्ड्स मुझे चाहिए जैसे ए, तो जहां जहां ब्लैंक्स है वहां वहां पे ए आ जाए। समझ आ गया आप लोगों को? हेलो, यस सर, यस सर। आपके लिए एक प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा डेटा आप बनाइएगा, क्या डेटा होगा बताओ। चलिए ये छोटा डेटा है, आप बना सकते हैं। दो डेटा है मैंने बनाया हुआ, आप भी बना सकते हैं। चलो मैं या फिर मैं भी ये डेटा भेज ही देता हूँ। तो मेरे पास एक बायोमेट्रिक का डेटा है, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है, उसकी जो आप एक्सेस कार्ड या थंब इंप्रेशन करते हैं उसकी डेटा है, जिसमें एम्प्लॉई आईडी या नेम, एम्प्लॉई आईडी छोड़ दीजिए, नेम से चलिए। तो इसमें क्या है कि एक नेम एक आदमी कई बार एंट्री, जैसे नेहा एक 10 में बाहर गई, फिर एक 33 में बाहर गई, तो जितने बाहर जब जब बाहर निकले हुए उसका रिकॉर्ड दिया हुआ। मुझे इसको इस तरह का रिपोर्ट चाहिए कि पूजा ने एक तारीख को प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी एंट्री हमारी कार्ड डेटा में है, समझ गए। तो अगर नेहा या पूजा अगर उस पर्टिकुलर डेट को एक दिन एक बार भी अपनी कार्ड को एक्सेस किया है, ये कार्ड को स्ट्रेच किया है, पंच किया है, तो उस दिन वो प्रेजेंट थी, और जिस दिन नहीं किया है उस दिन अब्सेंट। जैसे कि ये देखिए आपका जो पुनीत है वो 3 और 4 को कार्ड पंच नहीं किया, तो उस दिन अब्सेंट है। इसको आपको पिवट टेबल से बनाना है, क्लियर है सर डेटा एंड क्या करना है। किसी को डाउट इसमें? तेरे रॉट डॉक्टर का ईमेल कर दीजिए, इस पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं कर देता हूँ, फिर समझ तो लीजिए। दूसरा है कि मेरे पास सेम डेटा है, लेकिन इसमें मेरे पास इन एंड आउट है कि मनी ने इतना बजे इन किए और इतना बजे आउट किए। तो ये कई बार हो सकते हैं, मतलब मैं ऑफिस अभी 11 बजे ऑफिस गया, फिर उनको बाहर कोई बुलाने आ गया, तो 12:30 में बाहर आई बात की, फिर वो अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई, फिर आ रहा है। यहाँ पे आपको निकालना है कि जब सबसे लेट कब निकली
उसका आउट टाइम हो जाएगा और सबसे पहले कब इन हुई उसका इन टाइम हो जाएगा। और आपको इस तरह का रिपोर्ट बनाना है कि नेम एक जनवरी तारीख एक जून इन टाइम ए हो आउट टाइम हमारा ए है। ठीक है, ये दोनों रिपोर्ट आपको बना के मुझे भेजना है कल। ये फाइल में आप लोगों को मेल कर देता हूँ, बस अपने अपने ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिएगा।